शालोम चर्च, आज के मुबारक दिन में एक खास बात आपसे बांटना मांगूंगा वचन से, जो कि आपको मिलेगा लुका की किताब उसका 18 बाब उसकी पहली आयत में। यीशु मसीह अपने लोगों को कुछ शिक्षा दे रहे हैं और मैं विश्वास करता हूँ ये शिक्षा को मुझे और आपको समझने की आवश्यकता है, न केवल समझने की आवश्यकता है बल्कि अमल करने की आवश्यकता है। ये शिक्षा प्रार्थना करने के ऊपर है और हियाव न छोड़ने पे है, यहाँ कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है। फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना चाहिए उनसे ये दृष्टांत कहा। ये दृष्टांत में बताया गया है कि एक हाकिम है, एक न्यायी है जो परमेश्वर का भय मानता है, किसी से भी नहीं डरता है, और उसके पास प्रतिदिन एक विधवा चली आती थी जो उससे दरख्वास्त करती थी कि मेरा न्याय चुकाए, मुद्दई से मुझे बचाए, मेरा न्याय चुकाए। और ये किसी को कुछ नहीं समझता था ये जो न्यायी था, और ये बार बार उसको मना कर देता था, बार बार मना कर देता था, लेकिन इस विधवा औरत ने भी जाना ना छोड़ा। ये लगी रही पीछे, लगातार प्रतिदिन इस न्यायी के पास जाती थी कि मेरा मुकदमा छोड़ा, मेरा न्याय चुका, मेरा न्याय चुका। और अंत में हार के कहने लगा, इस औरत ने तो मेरी नाक में नकेल कर दिया, कहीं ऐसा ना हो आगे और मैं परेशान हो जाऊं। इस न्यायी ने उस विधवा का न्याय चुकाया। जी हाँ खुदा के लोगों, मैं आपको बताना मांगता हूँ, जब आप प्रार्थना कर रहे हैं, जब किसी कार्य में लगे हैं, हियाव ना छोड़िए। होता क्या है, कई बार हम प्रार्थना करते हैं बहुत जोश के साथ, पूरे तैयारी के साथ, लेकिन जब उत्तर नहीं मिलता है तो शायद हम निराश हो जाते हैं, हम हताश हो जाते हैं। आज मेरे प्रचार का विषय ये है, डिले इज नॉट डिनायल। जी हाँ, परमेश्वर की तरफ से अगर देरी हो रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो इनकार कर रहा है, बल्कि ऐसे समय में संयम के साथ, हियाव के साथ लगे रहे। खुदा के लोगों, आज मैं आपको भाना मांगता हूँ, डिले इज नॉट डिनायल। इस बात पे विश्वास कर लीजिए कि परमेश्वर हमसे प्यार करता है और हमें उत्तर देना चाहता है, लेकिन वो चाहता है इस बीच में जब देरी हो रही है वो कुछ बातें प्रकट करना मांगता है, कुछ सिखाना मांगता है, हमारे विश्वास को और बढ़ाना मांगता है। लेकिन मतलब तो ये है, आजकल हम फास्ट फूड आंसर मांगते हैं। जी हाँ, जिस तरीके से फास्ट फूड आजकल ट्रेंड है कि तुरंत ऑर्डर करा, तुरंत खाना आ जाए, उस तरीके से हम भी चाहते हैं कि तुरंत प्रार्थना किया, तुरंत जवाब आ जाए। खुदा के लोगों, परमेश्वर बहुत स्पष्टता से जवाब देता है और परमेश्वर अपने लोगों को जवाब देना मांगता है, और उसके तीन तरीके के जवाब होते हैं। पहला जवाब होता है यस, जो कि स्पष्टता से वो कहता है हाँ। दूसरा जवाब होता है नो, जो कि स्पष्टता से इस बात को प्रकट कर देता है कि उसका जवाब ना है। और तीसरे तरीके का जवाब होता है वेट, यानी कि ठहरो। और परमेश्वर ने अपने वचन में कई जगह पे इस बात की इम्पोर्टेंस दी है। मुझे और आपको इस बात को मालूम है कि परमेश्वर का वचन बताता है ठहरने के लिए, परमेश्वर का वचन बताता है प्रतीक्षा करने के लिए, परमेश्वर का वचन बताता है हियाव रखने के लिए। खुदा के लोगों, इस बात को समझिए, जब आप प्रार्थना कर रहे हैं, आप किसी कार्य में लगे हैं और उसका रिजल्ट तुरंत नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसका रिजल्ट नहीं आएगा परमेश्वर की तरफ से या परमेश्वर ने मना कर दिया। अरे अगर परमेश्वर को मना करना होता है तो वो स्पष्टता से प्रकट करता है कि इस काम में उसकी इच्छा नहीं है और वो काम तुम छोड़ दो। जी हाँ, उसने बहुत से खादिमों को स्पष्टता से मना किया। जब खुदा के खादिम पूछते थे क्या हम युद्ध के लिए इस स्थान पे जाएं, परमेश्वर की आज्ञा होती थी तो वो कहता था हाँ, अन्यथा कह देते था ना। ये स्पष्टता से परमेश्वर अपने लोगों को अपनी बात को प्रकट करता था, लेकिन जब वेद कहता है, जब ठहरने की बात कहता है, तो परमेश्वर का वचन इस तरीके से बताता है कि उसके खादिम ठहरते थे, उसके खादिम उसका इंतजार करते थे। आपको मालूम है यशायाह की किताब उसका 55वां बाब, उसकी 55th चैप्टर और उसकी मेरे ख्याल से 8वीं और 9वीं आयत में इस बात का वर्णन है जो मैं आपके बीच में रखना मांगूंगा। वहां कुछ इस तरीके से लिखा है, क्योंकि यहोवा कहता है मेरे विचार, सुनिएगा, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, न तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है, क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आसमान और पृथ्वी का अंतर है। जी हाँ, हम तो लग रहा है, हमको तो लगता है कि तुरंत जवाब मिल जाए, हमको तो लगता है आज प्रार्थना की
तुरंत जवाब मिल जाए। आज प्रार्थना की तुरंत उत्तर आ जाए, लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है यशायाह की किताब 55 बाब में, अभी अभी हमने पढ़ा कि हमारे विचार और परमेश्वर के विचार में, हमारी गति में और परमेश्वर की गति में जमीन आसमान का फर्क है। जब हमको लग रहा है कि बहुत डिले हो रहा है, तब परमेश्वर एक बेहतर चीज हमारे लिए तैयार कर रहा है। जब हमको लग रहा है बहुत लेट हो रहा है, तब परमेश्वर कह रहा है बेस्ट इज येट टू कम। हालेलुया। खुदा के लोगों, डिले इज नॉट डिनायल, लगे रहिए, हियाव ना छोड़िए, आगे बढ़ते रहिए, परमेश्वर आपको जवाब अवश्य देगा। परमेश्वर की ये योजना नहीं है कि आप निराश हो जाए, मैं हताश हो जाऊं, बल्कि परमेश्वर की तो ये योजना है हर एक परिस्थिति में हम उसकी तरफ देखते रहे, हियाव ना छोड़िए। इन डिफिकल्ट दिन में, इन कठिन समय में आप बहुत सी चीजों के लिए प्रार्थना करेंगे, अपने परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे, अपने प्रोफेशनल लाइफ के लिए प्रार्थना करेंगे, अपने आत्मिक जीवन के लिए प्रार्थना करेंगे, और आपको लग रहा अभी तक कुछ नहीं हुआ, 100 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, 3.5 महीने से ज्यादा हो चुके, अभी तक जवाब नहीं आया। नहीं, जवाब आने वाला है, बस याद रखिए। होता ही है बहुत सी बार जब जवाब आने वाला होता है, when the answer is about to come, we leave all the hope, we back out। आपको मालूम है, इसी तरीके से बहुत सी बार हम वो आशीष से वंचित रह जाते हैं, बस उत्तर आने पे था, लेकिन हमने याद छोड़ दिया, हमने आशा छोड़ दी और हम पीछे हट गए। परमेश्वर कहता है याद बांधे रहो, तभी तो ये दृष्टांत कहा गया है, नेत्र प्रार्थना करते रहो और याद ना छोड़ो। तो जब डिले हो रहा है, मुझे क्या करने की आवश्यकता है, मुझे क्या काम करने की आवश्यकता है, डिले क्यों होता है, डिले किस वजह से होता है। डिले इसलिए नहीं होता है कि मैं और आप निराश हो जाए। यशायाह की किताब उसका 30 बाब और उसकी मेरे ख्याल से 18वीं आयत में लिखा है, यशायाह की किताब उसका 30 बाब उसकी 18वीं आयत में साफ साफ लिखा हुआ है इस तरीके की बात कि परमेश्वर की ओर से डिले क्यों होता है। सुनिएगा, आपको अच्छा लगेगा। यहाँ लिखा है, तो अभी यहोवा इसलिए विलंब करता है कि तुम पर अनुग्रह करे। हालेलुया। यानी कि जब डिले हो रहा है, जब विलंब हो रहा है, जब देरी हो रही है, तो वो इसलिए हो रही है कि परमेश्वर हम पे अधिक अनुग्रह करे और इसलिए ऊंचे उठे कि तुम पर दया करे, क्योंकि यहोवा न्यायी है, क्या ये धन है जो उस पे आशा लगाए रहते हैं। इन डिले के समय में, इन देरी के समय में, इन विलंब के समय में, खुदा के लोगों, मैं आपको बहाना मांगता हूँ कि आशा लगाए रहिए, याद ना छोड़िए। हो सकता है आप बहुत कठिन दौर से जा रहे हैं, हाँ मैं भी उन्हीं तरीके का चीज फेस कर सकता हूँ, फेस कर रहा हूँ, मैं समझ सकता हूँ। बहुत से लोगों की ये बात है, बहुत से लोगों की ये प्रार्थना है कि उनके जीवन में बहुत कठिनाई है, लेकिन याद ना छोड़िए। खुदा के लोगों, मैं बताना मांगता हूँ कि जब आप याद नहीं छोड़ेंगे, उसी समय आप अपने उत्तर को, अपनी बरकत को, अपने उपाय को, अपने रास्ते को प्राप्त करेंगे। तो मुझे क्या करते रहना है इस समय में, जो आप अभी तक करते आए हैं, यानी कि प्रार्थना में लगे रहिए, अच्छे कार्यों में लगे रहिए, खुदा की निकटता में रहिए। तो मुझे क्या करना है ऐसे समय में, जब लेट हो रहा है, जब डिले हो रहा है, जब उत्तर नहीं आ रहा है, मैं आपको बताना मांगता हूँ। खुदा के लोगों, गलतियों की किताब उसका 6 बाब उसकी 9वीं आयत में कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, हम भले काम करने में साहस न छोड़े, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पे कटनी काटेंगे। खुदा के लोगों, आपने सुना कि हम भले काम करने में याव ना छोड़े, यानी अलग अलग जगह पे परमेश्वर का वचन उभार रहा है कि हम याव बांधे रहे, हम आशा लगाए रहे। डिले इज नॉट डिनाइल, परमेश्वर की तरफ से अगर देरी हो रही है तो उसका मतलब ये नहीं है कि इनकार हो रहा है। मैं 2 लोगों से आपको मिलवाना मांगूंगा, इनके जीवन में बहुत डिले हुआ, इनके जीवन में बहुत देरी हुई, लेकिन इन्होंने हियाव नहीं छोड़ा, वो भले काम करते रहे। मुझे याद आ रहा है वो कहानी एस्तर की किताब उसका 6 बाब में 1-2 आयत में लिखा है, मोर्दिके के विषय में। आपको मालूम है मोर्दिके की कहानी किस तरीके से आगे चलती है। एक समय की बात थी, राजा शदियश के अगेंस्ट एक षड्यंत्र किया गया और 2 लोग थे, एक था बिगताना और तेरेश नाम 2 व्यक्ति थे जिन्होंने राजा को मारने का षड्यंत्र बताया, लेकिन मोर्दिके ने सही समय में उनका षड्यंत्र प्रकट कर लिया। और एक दिन की बात है, यही राजा लिखा अपने राजमहल में बहुत बेचैन था, इसको नींद नहीं आ रही थी। 6 बाब से पढ़ेंगे आपको वर्णन मिलेगा। तो इसने इतिहास की किताबों को मंगवाया और कहा कि इसको पढ़ो, और जब पढ़ा जा रहा था तभी इसको याद आया कि अच्छा हाँ, ये वाला काम तो मेरे साथ हुआ था। तो उसको याद आया, क्या मोर्दिके को हमने रिवॉर्ड दिया है, क्या उसको ऑनर किया है? तो बताया गया नहीं, उसके साथ कुछ भी भलाई नहीं हुई। लेकिन इस बीच में मोर्दिके उसी तरीके से विश्वास योग्यता के साथ, आशा लगाए हुए याव के साथ अपना काम करता रहा। ये राजमहल में रह के अपना काम, अपनी सेवाओं को देता था, ये वैसे ही करता रहा। खुदा के लोगों, बहुत सी बार हमारे जीवन में जब प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता है, हमारे अनुकूल चीजें नहीं होती है, तो हम सबसे पहले
पहले एक काम करना छोड़ते हैं, हम प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाना छोड़ देते हैं, हम परमेश्वर के आराधना से दूर हो जाते हैं। बहुत सी बात मुझे ये सुनने को मिलता है, कुछ बात हुई, किसी बात से मन खराब हुआ, किसी बात से मन अच्छा नहीं हुआ, हमारे बातों का हमारे तरीके से उत्तर नहीं मिला, हम सबसे पहले परमेश्वर के भवन जाना छोड़ देते। बड़े हिसाब से बड़े बड़े घमंड से हम बोलते हैं कि हम तो अब चर्च नहीं आएंगे, हम तो अब आराधना में नहीं आएंगे, क्यों क्या बात हो गया, अरे नहीं कोई फायदा नहीं जाने का। खुदा के लोगों, परमेश्वर चाहता है आप ऐसे समय में बने रहे, चाहे मन खराब हो रहा है, चाहे चीजें खराब हो रही है। मोदी के का मन खराब होता होगा कि राजा ने मुझे ऑनर नहीं किया, मैंने इतना बड़ा काम किया लेकिन उसके बाद भी राजा ने ऑनर नहीं किया। लेट मी टेल यू खुदा के लोगों, द डिले इज नॉट डिनायल व्हेन थिंग्स आर नॉट वर्किंग अकॉर्डिंग टू यू, व्हेन यू आर सीइंग डिले इन योर लाइफ, व्हेन यू आर प्रेइंग एंड यू आर नॉट रिसीविंग एनी आंसर, एट दैट वेरी मोमेंट लेट मी टेल यू गॉड पीपल, बी इन होप, Because your answer is on the way. आपका उत्तर रास्ते में है, बहुत जल्द आप तक पहुंचने पे है। हियाव ना छोड़िए, बढ़ते रहिए। मोदी के साथ कहानी आगे हम जानते हैं, राजा ने फिर आज्ञा निकाली है कि मोदी को ऑनर किया जाए, उसको इज्जत दी जाए। अगर मोदी के पीछे हट जाता, अगर मोदी के हियाव छोड़ देता है, तो शायद मोदी को इज्जत नहीं मिलती। और मोदी के की वजह से उसकी भतीजी एस्तर राजभवन में पहुंचने पाई और उसके माध्यम से यहूदियों के लिए न्याय होने पाया। खुदा के लोगों, एक बंदा था जिसने अपना हियाव नहीं छोड़ा, डिले हो रहा था, देरी हो रही थी, लेकिन वो लगा रहा। जब लॉकडाउन शुरू हुआ था, हम लोग ने भोर की प्रार्थना शुरू की थी और शुरुआत में बहुत से लोग इस भोर की प्रार्थना में अलार्म लगा के उठते थे और जुड़ते थे, लेकिन आज जब 3.5 महीने हो गए हैं, आज भी भोर की प्रार्थना हो रही है। मैं ये सवाल आपके बीच में छोड़ना मांगूंगा, कितने लोग आज भोर को उठ के अपने आप को अवेलेबल करते हैं प्रार्थना में। हो सकता है हमको तब लग रहा था शायद ये लॉकडाउन केवल 2 हफ्ते का है, इसके बाद सब सही हो जाएगा, लेकिन जब चीजें बढ़ गई हैं, जब डिले हो रहा है, क्या तभी भी मैं नित्य प्रार्थना कर रहा हूँ, क्या तभी भी मैं हियाव बनाए रखा हूँ। एक जगह और ले जाना मांगूंगा, यूहन्ना की किताब उसका 11 बाब और उसकी 6 आयत में, यूहन्ना की किताब उसका 11 बाब उसकी 6 आयत में, बल्कि पहले 4 आयत पढ़ेंगे। बहुत अच्छा जिक्र है यीशु मसीह के विषय में। यीशु मसीह के पास एक संदेश आता है और संदेश ये आता है कि उसका प्रिय मित्र लाजर बहुत बीमार है। 4 आयत में लिखा है, ये सुन के यीशु ने कहा, ये बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है और उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा होए। 6 आयत में लिखा हुआ है, फिर भी जब उसने सुना कि वे बीमार है तो जिस स्थान पे वे था वहाँ 2 दिन और ठहर गया। अरे यीशु मसीह, उसकी बहनों ने तुम्हें एक संदेशा भेजा है कि तुम्हारा मित्र बहुत बीमार है, मरने पे तुम भागे भागे जाओ। हम तक अगर ऐसा संदेशा आता तो शायद हम सारे काम छोड़ के भागते हुए उस स्थान पे पहुंच जाते कि किसी तरीके से हमारी मदद पहुंच जाए, किसी तरीके से हम उस परिवार के इस कठिन समय में खड़े हो जाए। यीशु मसीह के विषय में लिखा वहां पर 2 दिन रुक गया, क्योंकि यीशु मसीह जानता था डिले इज नॉट डिनायल, क्योंकि यीशु मसीह इस बात को जानता था जब देरी हो रही है तो वो कुछ उत्तम तैयार कर रहा है। खुदा के लोगों, आपको बहाना मांगता हूँ, जब देरी हो रही है, जब उत्तर नहीं आ रहा है, जब प्रार्थना का जवाब नहीं आ रहा है, आपके लिए आसमान का खुदा कुछ बेहतर तैयार करने पे है, और जो बेहतर ऐसा होगा जो कभी आपने सोचा नहीं होगा, आपने कल्पना नहीं की होगी, और दुनिया के लोग उसे देख के आश्चर्यचकित होंगे। आप जानते हैं कहानी आगे किस तरीके से चलती है। अब यीशु मसीह उस स्थान पे पहुंचा, लाजर मर चुका था, बहन बिलख बिलख के रो रही है और कहने लगी कि काश तू यहाँ पे होता तो मेरा भाई ना मरता। यीशु मसीह ने कहा कि कहाँ पे रखा है, इसकी 39th verse में कहाँ पे रखा है। उसने कहा रोते हुए, अरे यीशु मसीह अब क्या फायदा, उससे तो मरे हुए 4 दिन हो रहे, अब तो बू आ रही होगी। खुदा के लोगों, दुनिया के लोगों के लिए जहाँ पे गंदगी है, जहाँ पे बू आती है, जहाँ पे सड़ाहट है, उसी मद में आसमान का खुदा सामर्थी खुदा है, वो हमारे लिए उपाय और रास्ता निकालता है कि चीजें आश्चर्यकर्म में बदल जाती है। जब 4 दिन का मुर्दा यीशु के कहने पे बाहर आ सकता है, लेट मी टेल यू, डिले इज नॉट डिनायल। उन लोग को हियाव रखना चाहिए था, लेकिन उसके बावजूद भी यीशु मसीह उनके पास पहुंचा। हालांकि दुखी बहुत था कि ये विश्वासी लोग है, इनके साथ मिलकर मैंने सेवा की, लेकिन फिर भी ये इस बात पे विश्वास नहीं करते कि जब यीशु मसीह आएगा तो चीजें परिवर्तित हो जाएंगी, बदल जाएंगी। आज मैं नहीं जानता
हम किन परिस्थितियों से होके जा रहे हैं, किन प्रार्थनाओं का जवाब का इंतजार कर रहे हैं, कौन सी प्रार्थना का फल आप चाहते हैं। लेकिन आज इस बात से खत्म करना मांगूंगा, डिले इज नॉट डिनायल। खुदा के लोगों, हियाव ना छोड़िए। जब देरी हो रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आसमान का खुदा ने मना कर दिया है, लेकिन वो आपके लिए एक बेहतर चीज तैयार कर रहा है, बेहतर इज्जत देना मांगता है, आश्चर्यकर्म करना मांगता है। आइए अपने सरों को झुकाए और इस बात की प्रार्थना करें कि प्रभु जब देरी होती है तो हमें हियाव दीजिए कि हम स्थिर बने रहे। मे द लॉर्ड ब्लेस यू। यीशु है तेरा नाम, तू है सबसे महान।